चंदौली के सैयद राजा क्षेत्र से दबंगों की दबंगई सरेआम देखी गई है। यहां एक ढाबे में कुछ युवक का गुस्सा इस कदर देखा गया कि उन्होंने ढाबे सब तहस नहस कर दिया। कहा जा रहा है कि इनमें से एक बीजेपी नेता का बेटा भी था। मामला देर रात का है जब बीजेपी नेता का बेटा अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर पहुंचा। यहां वह खाना खा रहे थे कि तभी उन्होंने ढाबे में शराब पीने की मांग रखी, जिसे ढाबा संचालक ने साफ मना कर दिया। वहीं यह बात सुनते ही दबंगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने ढाबे में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब ढाबे में काम कर रहे कर्मचारियों ने उन्हें ऐसा करने पर रोका तो वह उनके साथ मारपीट करने लगे और ढाबे में भी सब तहस नहस कर दिया। धमकी आई थी 2 बजे रात में, ये लोग जो है रूम में घुस के धमकी दिए जान से मारने के लिए। और उसके बाद जो है 4 दिन के बाद आज वाले रात में घटना ये लोग दिखा दिए मेरे कर्मचारियों को, और टेबुल कुर्सी कैमरा सब काउंटर सही जो है तोड़ फोड़ करके जो है स्टाफों को मारते हुए लहराते हुए जो है फायरिंग करते हुए लोग जो है निकल गए। कौन थे लोग इसमें जो है एक जिला उपाध्यक्ष हरिचरण टुनटुन सिंह के लड़के अंकित कुमार सिंह थे। किस पार्टी के जिला? भाजपा के। और कौन था? और एक अंकित पांडे, वो भी उनके भाजपा के सदस्य हैं, पिताजी कन्हैया पांडे कार्यकर्ता। और 3-4 लोग ऐसे हैं, 5 लोग जो अज्ञात में चेहरा पहचान रहे हैं, उनका नाम नहीं मालूम। क्या दुश्मनी रही आपसे कि ऐसा ये लोगों ने तोड़फोड़ किया? दुश्मनी इन लोग का, हर होटल का कहानी ये था कि हर होटलों पर जो ना जबरी ये लोग 1-2 बोतल पान में दारू लेकर ये लोग होटल में घुस के दारू पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पैसा मांगने पर ये लोग तुरंत जो ना पिस्टल दिखा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, मारपीट करके लोग निकल जा रहे हैं। क्या ये पहले भी हो चुका है? ये तो कई होटलों से हो गया, ये पहला बार हमारे होटल पर ये लोग किया है। क्या कोई फायरिंग की घटना भी हुई है? हाईवे पर 3 फायरिंग लोग किया है। कोई क्रिमिनल भी है इसमें? नेशनल हाईवे किनारे ढाबे पर बीजेपी नेता और जिला उपाध्यक्ष के बेटों ने अपने साथियों के साथ जमकर हंगामा मचाया है। वहीं पुलिस ने ढाबा संचालक रिंकू सिंह की तहरीर पर आरोपी अंकित सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज थाना सैयद राजा में 22/6/2021 हाईवे पर महादेव ढाबे पर कुछ लोगों ने आकर के तोड़फोड़ की और मारपीट किए हैं। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें सर एक अपराधी का नाम भी आ रहा है, तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? हाँ, 2 नेम्ड हैं और जो भी सीसीटीवी फुटेज में आएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी ली और पीड़ित की तहरीर पर बीजेपी नेता के बेटे और उसके दोस्तों के सहित आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने ढाबे में रखी प्लास्टिक की कुर्सी, गमले और सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए। इससे आक्रोशित ढाबा कर्मचारियों ने बोलेरो का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद अंकित सिंह बोलेरो को ढाबे पर ही छोड़कर अपने दोस्तों के साथ तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। बनरिया बनंडिया हिंदी के साथ।